Hello. So, before beginning this video, I would like to tell you that if you are watching this video, then you know that how to make copy a move like from one character to another character, or maybe just change a move or something. तो वीडियो स्टार्ट अब करता हूँ मैं. इस वीडियो के लिए मैं कज़ुया का बैक टू वन यूज़ कर रहा हूँ. तो स्लॉट यहाँ पर मौजूद है, जो सेफ स्लॉट है साइट में मौजूद है, आप चेक कर सकते हैं. ठीक है, ये कितने ज़्यादा स्लॉट है. तो मैं यहाँ पर स्लॉट यूज़ करने वाला हूँ 8A0 वाला. मैंने पहले ही जो है ना इसका कस्टम पॉइंटर लिख के रख लिया हुआ है. ठीक है, तो ये वाली वैल्यूज़ जो शायद आप कंफ्यूज इसमें होंगे, ये वाली वैल्यूज़ जो है ये कहाँ से हासिल करनी है. तो कस्टम पॉइंटर बनाने का मतलब ये है कि ये जो है मैंने जहाँ से इंडेक्स अपना लिया है, यानी जहाँ से मैंने कॉपी किया डेटा, जहाँ से शुरू किया करना, उस पर यानी 64 लिख कर 1D का मतलब 29 लाइन, ये तो बेसिक है. 64 जो है ना मतलब कि ये जो है ना इंडेक्स है हमारा वो है 8A0000. उसके बाद ये तो आपको पता है कांस्टेंट, और उसके बाद हमने बताना है कि हमने कहाँ तक कॉपी करना है. कि हमने 58 बाइट्स तो कॉपी करने हैं, मगर कहाँ से कहाँ तक से कॉपी करना है हमने. तो इसका मतलब है कि हमारे इंडेक्स से हमारे इंडेक्स से 8A2000 तक जो है 58 बाइट्स कॉपी हो जाएंगे. ठीक है, तो ये हमारा ये कनेक्शन कंप्लीट हुआ है, ये वाला ये कनेक्ट हो गया सारा. और आगे फिर हम मोर डिफाइन करते हैं कि जी जो पॉइंटर है हमारे इंडेक्स का वो क्या होगा. तो हम उसके अंदर 88 लाख डालते हैं, जो भी हमारा पॉइंटर होता है ये वाला इंडेक्स, इसके अंदर हम 88 लाख ऐड करते हैं, और जो हमें वैल्यू मिलती है वो ये आ जाती है, वैल्यू ऐसी आ जाती है. तो कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं. उसके बाद जो है ना नीचे आ जाता है 24, 48, 84 और 50 वाली वैल्यूज़ हासिल करने का. तो वो सिंपल है, साइट पे जाएं और जो मूव है आपका उसके ऊपर जो है ये वाली लाइन है ऐड सैम्पल पॉइंटर, तो ये सैम्पल पॉइंटर देख लें और यहाँ पर आपको वैल्यूज़ मिल जाएंगी. तो याद रखें, अगर आपका मूव हाई है तो या लो है तो ये आपको सिर्फ जो है ना रैंक डिफाइन करने की ज़रूरत है, वरना रहने दे. क्योंकि गेम वैसे ही थे जो है ना, पे अगर रैंक ना डिफाइन करे तो गेम वैसे ही थिंक करती है कि ये मिड हिट है. तो देखिए ये 24 वाली हिट आ गई, ये 24 44 है, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी ऐड कर लिया. ये आ गया इसका हिट रैंक, सॉरी लिम नंबर, ये भी मैंने ऐड कर दिया. और ये फ्रेम जो 84 और 550 है ना, ये इंडिकेट करता है कि कौन से फ्रेम से जो है ना मूव लेकर कौन से फ्रेम तक हिट कर सकता है. तो इसमें सिर्फ एक फ्रेम की जो है ना आएगी, यानी कि ये 1F फ्रेम से शुरू होगा और 20 पे जाके हिट कर देगा, यानी एक फ्रेम का जो है ना डिफरेंस इसमें. तो नीचे रिकवरी है, वो मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर सकता. वैसे ये बहुत आसान है रिकवरी भी. मैं आपको एक डॉक्यूमेंट भेज दूंगा अगर मुझे याद रहा तो, उसके अंदर जो है ना काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन है इसके बारे में. तो इसका अब जो है ना मेन बात आती है कि इसे अप्लाई कैसे करना है. ये तो हमने बना लिया, मगर ये काम डायरेक्टली नहीं करेगा, तो हमें अप्लाई करना होगा. तो उसके लिए हम बनाएंगे काज B+2,1, बस इतना ही लिख लेते हैं. पहली लाइन तो वैसे ही जो है ना हमें चाहिए, जिसका मतलब स्टेज लोडेड है कि नहीं, ये तो वैसे कॉमन है लाइन. मैं इसे कॉपी कर लूँगा. तो उसके बाद जब हम यहाँ पर दोबारा लिखेंगे तो हम 64 नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे 8190. और उसके बाद 8190 जब हमने लिख लिया है तो हमने करना क्या है कि जैसे हमने यहाँ पर ये कस्टम पॉइंटर तैयार किया ना, हमने इन दोनों को कनेक्ट किया है. अब हमने इसको ना ये वाली जो चीज़ है हमें इसके साथ कनेक्ट करना है, इस कोड के साथ. यानी हमारा अब नया इंडेक्स है, ये तो हमारा पुराना इंडेक्स है जिसे हमने मूव कॉपी किया. तो ये क्या डेटा फ्लो के इसके अंदर आ रहा है, इसके अंदर से बह के तो जो हम ये कनेक्ट करेंगे तो ये इसमें आ जाएगा, फ्लो के डेटा आएगा. हम लिखना क्या है 8A2000. तो ये इंडेक्स कंप्लीट हो गया. उसके बाद हमने सिंपली करना क्या, कंडीशन लिखनी है वर्सेस पॉल वाली. तो वो है 1 लाइन, इसलिए मैं 1 इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि हमने सिर्फ रिएक्शन डालना है, तो एक ही लाइन उसमें होगी.
तो ये मतलब है पॉल 7082, हमने ये लिखना है। उसके बाद हमने सिंपली 2082020, क्योंकि अभी आप थोड़ा सा कन्फ्यूज यहाँ पर होंगे कि मैंने ये वाली लाइन इसमें क्यों नहीं लिखी, क्योंकि ये जो है ना रिएक्शन है और ये हर फ्रेम पर कॉल होगा जब भी हम हिट करेंगे। अगर हम इसे यहाँ पर रख देते तो ये कन्फ्लिक्ट कर सकता है, काम तो वैसे करेगा मगर कन्फ्लिक्ट कर सकता है। सो उसके बाद हम मैं इसे छोड़ रहा हूँ क्योंकि रिएक्शन हमने ढूंढ कर फिर ऐड करना। उसके बाद हमने अलिसा वाली कंडीशन, और अलिसा और पॉल वाली कंडीशन सिर्फ इतना सा फ़र्क है 086 है पॉल में और 0875 अलिसा में, बाकी सब सब सेम ही लिखना है। ये हो गया क्योंकि लाइन आगे फिर सेम है, तो मैं इसे सिंपली ऐसे कर दूंगा। और उसके बाद हमें चाहिए कि रिएक्शन हमने मूव डालना है, तो हम इसमें कस्टम मेथड यूज़ करेंगे। हम यूज़ करेंगे E01D, मैं इस फ़िलहाल के लिए लिख रहा हूँ, और मैं X लिख के स्किप कर रहा हूँ यानी ये जो हमारा मूव होगा उसके बाद E01D हमारे पास 12 फ्रेम अगर 15 फ्रेम से कम टाइम है, यानी जो मैंने यहाँ पर 2 लिखा है ये वाला 2, इसका मतलब अगर कम है सो यहाँ पर आएगा 7940, तो 7940 इंडिकेट करता है कि कौन से फ्रेम पे है हिड, फ्रेम्स को इंडिकेट करता है। सो अगर हमारे पास 15 फ्रेम से कम टाइम है और अगर प्लेयर ने 1 प्रेस किया है 73C, सॉरी इसके लिए मगर मेरा गला थोड़ा सा अभी जो है ना दही खाया मैंने और उसकी वजह से हो रहा है ऐसे, नहीं तो मुझे ऐसे होता नहीं। तो ये लाइन जो मैंने अभी लिखी है एंड वाली, ये इंडिकेट करती है 4073C, ये इंडिकेट करती है कौन सा बटन हमने प्रेस किए। उसके बाद हम लिखेंगे 20, ये सारे ये पहली तीनों कंडीशंस हैं, और उसके बाद हम लिखेंगे कि क्या होगा। तो हम 20 पहले लिख रहे हैं, 4070 10, तो 7010 इंडिकेट करता है कि कौन से फ्रेम, ये भी फ्रेम्स को इंडिकेट करता है मगर ये बताता है कि स्टार्ट कब होगा, ये इंडिकेट करता है कि हमारा मूव जो है ना अच्छा तो सिंपल करता हूँ, मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग कर रहा हूँ काम। ये 40 वाली जो लाइन है ये वाली, ये इंडिकेट करती है कि कहाँ तक हमारे पास फ्रेम का टाइम है और यानी कि मूव को स्टार्ट करने का टाइम, और ये इंडिकेट करता है कि मूव कब स्टार्ट होगा। और उसके बाद हम लिखेंगे सो जैसे आप देख रहे हैं कि मैंने कैलकुलेटर भी नहीं इस्तेमाल किया और मुझे मैंने लिख लिया क्योंकि ये 8 वाले पॉइंटर्स बहुत आसान है, ये वाले पॉइंटर्स बहुत आसान है, तो ये मैंने लिख लिया कंप्लीट। तो इसका मतलब है अगर हमारा क्रॉन्सपॉन्डिंग मूव बैक 2 है कजुया का, और अगर हमारे पास 15 फ्रेम्स कम टाइम है और अगर प्लेयर ने 1 प्रेस किया तो 12वें फ्रेम पर आकर हमारा कस्टम मूव काम करेगा, यानी ये वाला मूव, ये जो हमने पॉइंटर तैयार किया ये काम करेगा, यानी ये वाला टोटल काम करेगा। सो रिएक्शन हासिल करते हैं, तो इसके लिए कज़ुया का सिंपली ये वाला रिएक्शन ठीक होगा। तो रिएक्शन मालूम करने के लिए हमें जाएँ 08C07964, और जो भी हमें वैल्यू वहाँ से मिलेगी हमने उसके अंदर 20 ऐड कर देना 20। सो हमारे पास 7C है, तो 7 में अगर हम 20 ऐड करें तो 9 हो जाता है, तो ये हमारे पास 20 की वैल्यू आ गई। आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं अगर आपको जो है ना मुश्किल पेश आए। सो ये आ गई हमारी फर्स्ट वैल्यू, और उसके बाद हमें वर्सेस अलिसा वैल्यू चाहिए, तो वो भी बहुत सिंपल है कि हमने कैलकुलेटर के अंदर आना है तो हेक्स सेलेक्ट कर लेना है, हेक्साडेसिमल। सो ये हेक्स का ऑप्शन है, यहाँ ये सेलेक्ट करना, तो हमने अलिसा की वैल्यू आ सकता है। नहीं तो तरीका ये है कि सिंपल तरीका मैं बताता हूँ कि प्लस करें ABC00, तो ये वर्सेस अलिसा की वैल्यू, और जब आप ऐसे करेंगे तो गेम बिल्कुल क्रैश नहीं करेगी, अगर ऐसा नहीं हो करेंगे तो गेम क्रैश कर सकती है। तो ये आ गया हमारा मूव बैक टू, तो मूव की वैल्यू ऐसे करने के लिए 08C07018, उसके बाद उसे बस 16 bits कॉपी करने हैं और इसे यहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो ओके, मैंने 10 कम लिखा था, ये ले कम ऑन।
तो मैं लाइंस कॉपी काउंट कर लेता हूँ। तो हमारे मूव के बाद कितनी लाइंस चलेंगी? चार टोटल, तो हम चार लिखते हैं। इसके बाद तीन काम करेंगे और इसके बाद सिर्फ दो लाइंस काम करेंगे। सो ये लो तो ये मूव हो गया तैयार। अब टेस्ट करते हैं ऐसे, देखा थोड़ा सा कह लें कि है डरना कि क्या कहते हैं उसे, बस थोड़ा सा फ्रेम्स के एडजस्टमेंट की बात है और कुछ नहीं। सो इसे डिक्रीज कर देते हैं, 10 फ्रेम पर कर देते हैं। जी सिंपल और मूव तैयार है। सो होपफुली इस वीडियो के अंदर आपको कुछ समझ आ जाएगा। तो 14 वाला जो साथ था वो मैं इसमें एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो ये जो वैल्यूज़ थी आप नेट चीट से ही हासिल कर सकते हैं, यानी कि ये वाली जो वैल्यूज़ हैं ये आप नेट चीट से हासिल कर सकते हैं। सो या थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस वीडियो। एंड फॉर्चुनेटली इफ़ यू गेट वट आई वॉज ट्राइंग टू से, यू विल बी एबल टू इम्पोर्ट द मूव। या थैंक्स फॉर वॉचिंग, see you next time.